गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ में हमारा मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल चल रहा है, एक्सरसाइज 2.5 है। हमने एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 13 तक इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। आज हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए नंबर 14 में आपको दिया है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, बगैर किसी कैलकुलेशन के आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। 12 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू बताना है और आपको क्या करना है, इसका क्यूब भी नहीं करना है, बगैर क्यूब करे ही इसकी वैल्यू बताना है। तो इसके लिए हम अभी थोड़ा जो हमने लास्ट वीडियो में सबसे आखिरी आइडेंटिटी पढ़ी थी उसको रिकॉल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपकी आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी में हमें इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, अगर हमारी ये वैल्यू जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो हो जाए, इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी यही था, अगर ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो आ रही है तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये टर्म जीरो हो गया, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz और ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसका सम जो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये जो जाएगा आएगा प्लस का हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3xyz, ठीक है भाई। अब आप देखिए, हम इसकी वैल्यू अभी हम ये देखते हैं कि माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 इसका आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये माइनस 12 है और ये प्लस 12 हो गया, यानी कि ये जीरो आ रहा है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब से हम करेंगे इसको और इसको लिख देंगे हम, ये किसके इक्वल है, 3xyz। तो 3 की जगह 3 लगा दिया हमने, एक्स की जगह लगा दिया माइनस 12, इसकी जगह लगा दिया 7 और जेड की जगह लगा दिया 5, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या आएगा भाई, 60 माइनस 60 हो गया, ये 12 5 60 और 7 3 21, इसकी और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, क्या आएगा देखिए, 0 6 1 6 6 2 12 माइनस 1 2 1 2 6 0, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है, 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आपको इसकी वैल्यू बताना है विदाउट कैलकुलेशन। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13 किसके इक्वल आ रहा है, 28 माइनस 15 माइनस 13, 28 माइनस 28 ये कट गया आपका, आ गया जीरो, यानी कि ये जीरो के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 3xyz होना चाहिए, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों का प्लस अगर जीरो है तो इसके जो एक्सपेंशन है उसके आगे के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, इससे पहले वाले वीडियो में आपने उसको समझा दिया है। तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की जगह लगा देंगे 28, वाई की जगह लगा देंगे माइनस 15 और इसकी जगह लगा देंगे माइनस 13, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, 13 3 39, 15 की 8 15 8 120, 12 देरी हो गया, 15 2 30 और 12 42, माइनस ही क्या हो गया प्लस, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 39 42, 0 की 0 लगा दिया पहले, 0 लगा दिया पहले, 9 2 9 0 0
9 2 18 1 3 9 4 36 37 ये आ गया 3 0 0 3 2 6 34 12 ये आ गया 08 13 1 4 2 6 1 16 3 8 0 ये आ रहा है आपका आंसर। ठीक है चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया भाई। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रीथ, कह रहा है कि पॉसिबल एक्सप्रेशन बताना है आपको लेंथ और ब्रीथ क्या होगी इन द फॉलोइंग इस रेक्टेंगल का। ये आपको जो क्वेश्चन दी हुई है रेक्टेंगल की दी हुई है और इस रेक्टेंगल की इक्वेशंस में आपको बताना है कि इसकी लेंथ और ब्रीथ क्या हो सकती है। तो जैसा कि हमें ये दिख रहा है कि ये एक फैक्टर फॉर्म में है, यानी कि 225 a² - 35 a + 12 इस फॉर्म में है ये। तो हम क्या करेंगे इसको हम पहले तो हम 12 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं 25 से क्या आता है 60 12 300 300 के ऐसे फैक्टर करना है जो हमारे प्लस करके 35 आ जाए। तो हमारा क्या हो रहा है भाई आप देखिए क्या करेंगे इसको 20 + 15 कर देंगे और a + 12 कर देंगे। तो 25 a² + 20a + 15a ये है माइनस है ये, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है अब क्या करना है हमें यहां से कॉमन ले लेंगे। यहां से कॉमन क्या आ सकता है आपका, यहां से कॉमन आ सकता है 5। तो 5a हमने कॉमन ले लिया, 5 5 = 25 और 5 4 = 20 यहां से हमने कॉमन ले लिया 3 और 3 5 = 15 - 3 4 = 12 5a - 3 और 5a - 4 ये आपके फैक्टर आ रहे हैं। तो ये लेंथ भी हो सकती है ब्रीथ भी हो सकती है। तो एक तो आपका ये एल आ रहा है, ये आपका बी आ रहा है। ठीक है तो पॉसिबल एक्सप्रेशन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो रही है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ रही है 5a - 3 और ब्रीथ कितनी आ रही है 5a - 4। ठीक है ये आपकी एल हो गई, ये आपकी बी हो गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा 35y² + 13y - 12 क्योंकि अब इसमें माइनस 12 दिया हुआ है तो हमारे फैक्टर जो होंगे वो माइनस करके होंगे। तो पहले हम 35 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से। 12 5 = 66 carry 12 3 = 40 36 और 6 = 42 के ऐसे फैक्टर करना है जो माइनस करके 13 आ जाए। तो देखते हैं कैसे हो सकते हैं, 2 से करा 2 2 = 2 1 फिर 2 से करा 2 1 = 1 5 फिर ये 3 से हो सकता है 3 3 = 3 5 फिर अब देखिए माइनस करके कितना आ रहा है 13 आ रहा है 3 2 6 6 2 12 फिर हमने इसे कर दिया 5 से 5 7 = 35 अब देखिए 5 3 = 15 15 2 = 30 तो देखिए हमारा क्या आया 2 2 = 4 4 3 = 12 12 5 = 60 और 60 की 7 से 420। अब हम इसको ऐसे सेट करेंगे कि ये आपका क्या हो जाए। तो हमने क्या करा ऐसे करा 7 2 = 14 14 2 = 28 एक तो आ गया आपका 28 और 3 5 = 15 एक आ रहा है आपका 15 इसे माइनस कर देंगे आपका आ जाएगा आंसर 13। देखते हैं 35y² + 13 की जगह हमने लगा दिया कितना 28 - 15 y - 12 सही है 35y² + 28y - 15y - 12। अब आपने क्या करना है कि यहां से आप कॉमन ले लो 7 7y कॉमन ले लिया आपने, बचा कितना 7 5 = 35y 7 4 = 28 यहां से आपने कॉमन ले लिया 3 3 कॉमन ले लिया तो बचा आपका 5y - 3 4 = 12 ये आ गया 7y - 3 और 5y + 4 ये आ गया। तो 5y + लेंथ कितनी आ गई, लेंथ यानी कि एल आ गई आपकी कितनी हो गई आपकी, ये जो है आपकी आई है ये क्या आई है 7y - 3 ये क्या है आपकी लेंथ है एल का, ये आप इसको ब्रीथ लेंथ कर लो ये ब्रीथ है और ये आपकी लेंथ है 5y + 4 ये आ गई आपकी लेंथ और ब्रीथ हमारी आ गई 7y -
थ्री, तो पॉसिबल एक्सप्रेशन ये हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है इसकी डायमेंशन आपको बताना है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 3x³ - 12x। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, इसमें से क्या कॉमन है ये ले लेंगे पहले। तो इसके फैक्टर क्या आ सकते हैं, 3x कॉमन ले लिया हमने इसमें से, तो ये आपका 3 तो कॉमन आ गया, यहाँ बचा आपका x² और ये बचा आपका 3 × 4 = 12 x² - 4। तो इसके पॉसिबल डायमेंशन क्या आ सकते हैं, एक पॉसिबल डायमेंशन इसका 3 भी हो सकता है और एक x हो सकता है और एक मल्टीप्लाई आ रहा है आपका x² - 4, ये इसके पॉसिबल डायमेंशन हो सकते हैं। ठीक है, 3x और x - 4, ये अलग अलग इसके पॉसिबल डायमेंशन है। दूसरा दिया हुआ है आपका 12x 12 12 के y² सेकंड है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका 12y² + 8ky और -20k। तो सबसे पहले तो हम इसमें से k कॉमन ले लेंगे, k कॉमन ले लिया बचा 12y² + 8y - ये आपको बचा 20। अभी इसमें से 4 भी कॉमन आ सकता है, 4k हो गया कॉमन, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20 ये आ रहा है। अभी आपको क्या करना है, 5 × 3 = 15 के ऐसे फैक्टर करना है जो माइनस करके 2 आ जाए, तो 3 × 5 = 15 यानी के आपको क्या करना है, 5 में से 3 माइनस कर देना है, 4k आपने लिया हुआ है कॉमन, 4k 3y² + 5y - 3y - 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4k आपको यही आ गया 3y, यहां से आपने y कॉमन ले लिया तो 3y + 5, यहां से आपने -1 कॉमन ले लिया 3y + 5 किया, तो आपका बना क्या, 4k y - 1 और 3y + 5। तो इसके पॉसिबल डायमेंशन क्या क्या आ गए, ये हो गया एक एल हो गई, ये इसकी ब्रीथ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, यानी कि 3 डायमेंशन आपके आ गए, तीनों के पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, इसकी सारे एल भी एच तो हो गए नहीं, सारा ए यही लिख सकते हैं हम इसको, ये भी ए और वाई माइनस वन ये भी ए और एच की जगह भी ए ही आएगा, ये भी आपका 3y + 5, तो 3 आपकी डायमेंशन पॉसिबल डायमेंशन इसमें आ गई। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर पॉलिनोमियल आज खत्म हुआ, नया चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स लेकर मैं अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए।